मेहरबान कदरदान, आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, जिसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं साल 1961 की। तो आइए बात करते हैं शम्मी कपूर की पहली कलर फिल्म, वो थी जंगली। जंगली फिल्म का नाम पहले जंगली टाइटल नहीं रखा गया था, इसका टाइटल रखा गया था मिस्टर हिटलर, क्योंकि इस फिल्म में शम्मी कपूर का रोल ऐसा था जो इंसान ना हंसता है ना गाता है, हर काम समय पर, अगर एक सेकंड के लिए भी किसी ने देर की तो इस इंसान की खैर नहीं। लेकिन ये टाइटल हिटलर बहुत ही नेगेटिव साउंड कर रहा था। ऑब्वियसली एडोल्फ हिटलर के बाद मुझे डाउट है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम हिटलर रखेंगे, लेकिन अभी मैंने सुना है कि कोई टीवी सीरियल इस नाम से जरूर आई है। तो मिस्टर हिटलर नहीं रखा गया, इसे बदलकर जंगली कर दिया गया। जंगली फिल्म हीरोइन सायरा बानू के भी फिल्मी सफर की शुरुआत थी। फिल्मों से सायरा बानू का रिश्ता बहुत पुराना था, क्योंकि इनकी मां नसीम बानू भी अपने समय की एक बहुत कामयाब अदाकारा थी, जिन्हें खास तौर पर सोहराब मोदी की फिल्म पुकार के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने मुमताज महल की ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। जंगली का शानदार और एवरग्रीन म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने, जिनका बनाया एक एक गीत कमाल का था। किसने सोचा होगा कि एक गीत में एक शब्द जिसका कोई मतलब नहीं है बोला जाएगा, और वही शब्द दुनिया में बोले जाने वाला सबसे पॉपुलर शब्द बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूं जंगली के टाइटल सॉन्ग में बोले गए याहू शब्द की। इंटरनेट की दुनिया में याहू की क्या जगह है, यह हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि इस गीत में इस शब्द का इस्तेमाल शम्मी कपूर के जोश, जुनून और प्यार के विस्फोट को दिखाने के लिए किया गया था। पर इसे संजोग कहें कि क्या कहें कि फिल्मों में क्या हिंदुस्तान में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों में शम्मी कपूर पायनियर माने जाते हैं। उनका इंटरनेट प्रेम इतना ज्यादा था कि उन्होंने तो एक संस्था भी बना रखी थी जो इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रचार और प्रसार करती थी। तो हो जाए याहू, ये गीत हम डेडिकेट करते हैं शम्मी कपूर को और उनके इंटरनेट प्रेम। आगे चर्चा करेंगे 1961 में बनी एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की, जिसे बाद में कलर में भी रिलीज किया गया। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।